보다 하늘에 계신 또한 이 회사에서 믿던 황수의 예수 종들 아름답게 샤리끼리 주님 성기기 잠기끼리 어떤 말하는 아프리 मंदिर का कार्य करते हुए वाणी को विकसित करते हुए मेरे साथ उन्होंने सभी आदमी के लिए उसके बाद हमारे पार्षद निगम जी आगे का कार्य करेंगे श्रीमन नारायण
आगे आगे शिर पारम विनय भक्ति के साथ।
Amen.
वेदता है सब
Amen.
परकुंड महाकाय कोटीश्वर संप्रभ अविलम गुरुदेव सर्वकार्यं सर्वदा सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणतां यत्तां उदेतेषां राजा हेषां निन्दे वर्षाणि यदिष्टबुद्धिर्हारणाः मंगलं भवान् विष्णु मंगलं वरुणः मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय नमो हरे तदेव नमः सुजिनं तदे तारावलं चंद्रवलं तदे विद्यावलं दैवलं तदे लक्ष्मीपते तैञ्जुरं स्मरामि यदर्विश्वा कृष्णो यदर्पार्थो धनुन्धरः तदचिद्भूते भूर्वादितिर्मम सुन रहे थे स्मरण कर रहे थे अभी गुरुवार श्रुता ज्ञान ज्ञानी ज्ञानी जी संस्कृति अधुना सुमी मोक्षोपाय सनातन भगवान देवा के शरण में तस्सर असारे घोर संसार दुख मरि बसे नाना विचित्रता चैतन्य बनते चल केशा मुकुना मिलते हे दया के सिंधु अपनी मूर्खता के कारण अज्ञान के कारण इस संसार में मैंने जीवों का आना जाना सुना। अब सनातन मोक्ष का उपाय जिससे इस संसार में मुझे आना ना पड़े ऐसा भी उपाय मुझे बताए क्योंकि ये संसार दुखों का सागर है। हे शरण वत्सल हे जीवों के जी हे श्री नारायण हे भगवान श्री कृष्ण सब दुखों से मने सारे घोर संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में स्थित अनंत जीव समूह पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इनकी कोई गिनती नहीं इसका कोई अंत नहीं वे सदा दुख में रहते हैं कभी भी सुखी नहीं होते। हे मोक्ष के स्वामी वे किस उपाय से इस संसार के आवागमन से छूट सकते हैं ऐसा भी मुझे उपाय करना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ सुनो जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो मैं विस्तार पूर्वक तुमसे तुम्हें बताता हूं। अब ध्यान पूर्वक आप सुनो जिसके सुनने मात्र से ही संसार से मनुष्य आना जाने के बाद छूट सकता है। स्वयं प्रकाश आदि अंत जिनका नाम शुरुआत है ना आखिर ऐसे भगवान बुन रहे सच्चिदानंद भगवान के अंश ये जीव संगत प्राणी अनादि अविद्या से पत होकर जैसे अग्नि से चिंगारियां उठती हैं ऐसे ही जीव अनादि कर्मों से प्राप्त देह आदि उपाधि से भिन्न होता है। सुख दुख के देने वाले पुण्य और पापों से भरे उन जातियों से युक्त ये शरीर आयु कर्मों से उत्पन्न भोग को प्रत्येक जन्म में पाता है। हे गरुड़ फिर उनसे भी बड़े मोक्ष प्रयत्न सूक्ष्म भिन्न शरीर को धारण करता है सथा वर्णि वृक्ष आदि ये सथा वर्णि में कहे गए और वृक्ष आदि के बाद कीट पतंगा पक्षी और पशु इसके बाद धर्मात्मा मनुष्य होकर देवतव को पाकर मोक्ष हो पाता है। हजारों बार कई प्रकार के शरीर ये जीव धारण करता है उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। 84 लाख जुनी ये शरीर धारण करने के लिए बनाई गई है तब तक यार फिर भी
जब मनुष्य की योनि में जीव आता है, वह शरीर को धारण करता है, उसी से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, अन्यथा और किसी योनि में नहीं। करोड़ों जन्मों में कभी पुण्य इकट्ठे संचय से प्राणी मनुष्य जन्म को पाता है, मोक्ष की सीढ़ी रूप दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर आत्मा को नहीं जानता है, ब्रह्म जानता है, अर्थात बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए शरीर और अपने पैसे की रक्षा करनी चाहिए, शरीर और अपने पैसे की रक्षा करनी चाहिए, सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है, आपकी रक्षा के लिए जतन करना चाहिए। तो अगर जीवित रहेगा, लंबी आयु आएगा, कभी धर्म के कार्यों में ये शरीर को लगाएगा, कैसा बीत जाएगा, अच्छे और बुरे कर्म ये बार बार मिलते ही हैं, परंतु ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, अति दुर्लभ शरीर है। तभी भगवान कहते हैं कि श्वास श्वास प्राण वृथा श्वास न कोई ना जाने इस शरीर का प्रावण कोई ना, क्योंकि जिनको भगवान कहते हैं गंभीर बीमारियां होती हैं, कोढ़ आदि हो जाता है, वे भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं रखते, और जीना चाहते हैं। रक्षा किए हुए शरीर से धर्म होता है, धर्म से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान, ध्यान से जो प्राप्त होकर शरीर मुक्त हो जाता है। जो आत्मा आत्मा को ही बुरे कामों में ना लगाए ना बचावे, उससे बुरा दूसरा कौन हो, जो इस रोग में इस पृथ्वी रोग पर ही नरक रूप रोग की दवाई नहीं देता है, गैर रोगी औषध रही थी, जहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दवाई या औषधालय नहीं है, वहां जाकर क्या करें, इस पृथ्वी रोग में ही इस पुण्य आत्मा को टाल सकता है, क्योंकि व्याधि के समान बुढ़ापा और छूटे ग्रह के जल के समान आयु बीती जा रही है, रोग गैरी के समान प्रहार करते हैं, इसलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख आश्रय ना करें, जब तक विभक्तियां ना आए, तब तक इंद्रिय व्याप्त ना हो, जब तक कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए, जब तक ये शरीर सावधान रहे, तब ही तत्व का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि घर के कोने में आग लग जाने पर तो मूर्ख ही पानी आदि की व्यवस्था करेगा। पानी आदि की व्यवस्था पहले से ही की जाती है, संसार के अनेक कारण में फंसे होने के कारण समय नहीं जाना। बड़े अफसोस की बात है, मनुष्य अपने सुख और दुखों को तथा हित को नहीं जानता, पैदा हुए लोगों को, विपत्ति ग्रस्तों को, आपत्ति में फंसे हुए को, दुखितों को देखकर ये रोग मोह रूपी मजरा को पीकर कभी नहीं जानते। धर्म संपत्ति सोवण के तुले है और यौवन फूल के समान, आयु बिजली के समान चपल है, इस बात को जानकर इसको धैर्य होगा। पहले तो लंबा लंबी आयु जीना, 100 वर्ष आदि जीना असंभव है, उसमें भी जितनी आयु है हमारे पास आधा मित्रा में आलस्य में और के जुड़े गांवों में चला जाता, तथा उसमें से बारह बस्ता बुढ़ापा दूध और शेष आयु इस पर बीत जाती है। मोक्ष आदि के उपाय का परम से ही अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, समर्पण सिमरन करना चाहिए, धर्म को एकत्रित करना चाहिए, संचय करना चाहिए। भगवान ने इच्छे तिथि अपने पास रखी है, विशिष्ट मुनि जी कहते थे भक्ति से कि सुनो भरत भावी पर विनती कहो मुनिया हानि लाभ जीवन मर जस अपजस सब विनिया, इच्छे तिथि पर ज्यादा ने अपने पास रखी, जस अपजस जीवन और मौत हानि और विधाता इसको श्रेय देता है ये कोई भी नहीं जानता, इसलिए सदा धर्म करें, भगवान का नाम ध्यान स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर अनित्य है, इस शरीर का सही प्रयोजन तभी है जब शरीर ये मन भगवान के चरणों में और भगवान के ध्यान में लगे। इस देह रूपी प्यारे इसे हवा से निर्णय लगाया जाता है,
ये मनुष्य अपने बड़े बड़े को नहीं जानते, गहरे रूप संसार विषय हेतु को समझता है। अनित्य हे आदि दुर्भ संगत, दुर्भ संगत नित्य को समझता है, अनंतकारी कैसे को जायदाद को भी अपना सिद्ध प्रयोजन समझता है। ये वो माया से मोहित हुआ मनुष्य देखता हुआ भी गिर पड़ता है, सुनता हुआ भी इसकी ओर ध्यान नहीं देता। ये शरीर अनित्य है और आत्मा अजर अमर है। पाशांसी दीर्घानी निधाभ्याय नमामि गृहाति अनुप्राणी। ये शरीर जब डर जाता है तो दूसरे आत्मा सारे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण कर देता है। ज्ञानम सिद्धंति शस्त्रानि, ज्ञानम सहिति पावका, ना ज्ञानम कलज्ञानता हो ना शोषति मारता। भगवान श्री गीता में बोलते हैं कि है अर्जुन, ये आत्मा अक्षेत्र है, अभेद्य है, इसको कोई भेद नहीं कर सकता, ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे, न जल इसको पीड़ा कर सकता है ना अग्नि इसको जला सकती है। इस प्रकार ये शरीर अनित्य है, इसको और अपनी वाणी को अच्छे कार्यों के लिए लगा रहता है। श्री रामचंद्र मानस ने लिखा है कि वर्ण मास लड़ करता था दुष्ट संग नहीं नहीं मिला। विभीषण से श्री राम कहते हैं कि हे विभीषण, परमात्मा चाहे नरक में पाप देते लेकिन उसे बुरे की संगति कभी ना, क्योंकि अगर बुरे की संगति करेगा तो एक नरकों से दूसरे नरक में जाता है, वह कभी भी धर्म में इकट्ठा नहीं करेगा, पुण्य के कामों में अपने को नहीं लगाएगा। इस प्रकार गरुड़ जी के ये 218 अध्याय मूल ग्रंथ के 218 अध्याय 19,000 श्लोक हैं इसके, और उसमें अनेक तरफ से ये लिए गया 16 अध्याय बनाए गए हैं। जब किसी का घर में मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है तो इसका पाठ करवाया जाता है। और जैसा कि गुरु पुराण में लिखा गया ऐसा है, ऐसा ही जो शास्त्र अनुसार जो विधि से कही गई बताई गई बड़े ही ज्ञानपूर्वक सारे प्रभाव में नितिन गुप्ता जी के प्रभाव में सभी ने, सभी भाइयों ने, जीवन जी, विपन जी और पवन जी और इनकी गर्भवत गीता अनिता आदि ऋतु जी ने बड़े ध्यानपूर्वक पाठ का अध्ययन किया, सुना, श्रवण किया, बल्कि उनकी बातों को प्रैक्टिकल में लिया है। गुरु पुराण में लिखा है कि 10 दिन के भीतर जिनकी अस्थियां गंगा जी कंकर में बहा दी जाती हैं तो उनका ब्रह्म लोक से फिर आना नहीं होता और उसके करोड़ों करोड़ों पाप कट जाते हैं। भगवान कहते हैं कि 10 दिन के भीतर भीतर, तो ऐसा ही नितिन गुप्ता जी ने किया, अपने पिताजी स्वर्गवासी अशोक जी की अस्थियां कंकर में विसर्जित की और बड़े विधि विधान के साथ सोने चांदी का अनुदान किया, अपने समर्थन का जो भी इनसे बनता था फिर मांगे इंजन मांगे और अपने पुण्य जी को दिया हरिद्वार में रहेवा आदि भी नहीं किया और बड़े ही वहां पर शुभ आशीर्वाद लेकर भी अपने घर को आए और अपने आप पिताजी की आत्मा को शांति दिलाई। जैसे भी हमारे शास्त्र में कहा गया है जननी जमीन तो भक्त जन या दाता या शूर या जननी मान रहे काहे तो आवे मूर, कहने का अभिप्राय इस सभी प्रभाव चाहे वो प्रभाव श्री स्वर्गवासी मुकामदास के दुर्भाग का हो, चाहे वो प्रभाव परिवार श्री स्वर्गवासी रोशना जी का हो, चाहे ऋषि राम जी का हो, इनके सपुत्र श्री दिनेश अग्रवाल जी और सुरेश जी, श्याम जी, प्रीति जी, काका जी, ये भी अपनी माता श्री कृष्ण देवी जी का तन मन मन से सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि ये यहां तक पहुंचे। संत भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, इतने चाहे दान कर दो, इतनी चाहे मंगी यात्रा करो, ये अपने माँ बाप की आपने सेवा नहीं की वो पाप, एक ना तो पाप दोष युक्त हो जाता है, उसका पुण्य आपको फलीभूत करने वाला नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा ऐसे ही
प्रदीप सुधीर जी अपनी माता संतोष रानी की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद के कामों के लिए जाते हैं। देखो जी अपनी माता रमा देवी जी का ये छोटा सा घर है, अपने द्वारे का समय है, आप ये द्वारे कि मैं आपको मैं मिला कर दूर गया और जो भी मेरी तरफ से बाहर आ देता है ऐसे ही धर्म पत्र ये तो नहीं ये दुर्गम का आशीर्वाद है। अगर एक लेसन अगर किसी को लेना हो तो ऐसे प्रभाव से वही प्रभाव अपने होते हैं जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, वही तरीके ध्यान नहीं रखते, उनका हाथ आने पूछते हैं, तो ऐसे लंगर आदि इत्यादि जाने का कोई प्रयोजन नहीं होंगे। जब ये गुरु प्राणी का पाठ श्रवण करते थे उसके बाद संगीत होता था अपने के लिए, तो आइए ऐसा ही संगीतन हम श्री इस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, श्री शोक जी की शांति के लिए और परिवार वालों के प्रति सहानुभूति के लिए अपने मन को एकाग्र करते हुए वाणी को विकृत करते हुए मेरे साथ आप बोले सभी आदमी के लिए। उसके बाद हमारे पार्षद निगुण जी आगे का कार्यक्रम उठाएंगे। श्रीमन नारायण धार्मिक संस्थावां राजनीतिक संस्थावां को
ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਆਗਿਆਈ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਰਾ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਕਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨੀਸ਼ ਜੱਟ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਜੀ।